इस लैपटॉप में जो बैटरी लगी हुई है वो इनबिल्ट है, या तो आप उसे पूरा प्रॉपर टर्न ऑफ कर लीजिए या पावर बटन को 5 सेकंड के लिए दबाए रखें जिससे वो डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके नीचे बेस पे 11 स्क्रूस लगे हुए हैं, आप उसे खोल लीजिए। हो सके तो जो स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ करते हो उसमें मैग्नेट लगा हो, जिसके कारण जब भी आप कोई स्क्रू खोले वो मैग्नेट के साथ स्टिक रहे, कहीं इधर उधर ना गिरे। डीवीडी ड्राइव का स्क्रू अंदर से लगा हुआ है कीबोर्ड के नीचे से। आप जो हिंज का स्क्रू खोल लेंगे वो कोशिश कीजिए कि पैनल ओपन करके ही ओपन कीजिए, क्योंकि अगर अंदर से हिंज थोड़ी सी भी लूज हो तो वो बाद में पैनल ओपन करने पे डैमेज हो सकती है अगर आप स्क्रू पहले खोल दें तो। अब कीबोर्ड और टच पैड के बीच में जो गैप है आप उसमें ट्वीज़र डाल के कीबोर्ड को लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। थोड़ा सा भी हिला के देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आप ट्वीज़र डाल सकते हैं, बस ऊपर की साइड या साइड की तरफ से लिफ्ट करके उसे कीबोर्ड को हाथ से पकड़ के खींच सकते हैं। ये बैकलिट कीबोर्ड है तो इसमें दो वायर्स होंगी, जो बैकलिट वायर है उसे बस वैसे ही खींच लो, और जो दूसरी कीबोर्ड की वायर है उसका लॉक ओपन करके फिर उसे निकाल लीजिए। फिर आप पावर का कनेक्शन निकाल सकते हैं, लॉक ऊपर करके पावर की वायर निकाल लो। सेम टच पैड के भी ये लॉक ऊपर करके टच पैड की केबल निकाल लो। इसमें 3 स्क्रूस लगे हुए हैं, जब 3 स्क्रूस हम खोल लेंगे तो इसका डीवीडी राइटर भी आप निकाल सकते हैं। फिर डीवीडी ड्राइव को आप आराम से बाहर की तरफ खींच लीजिए, ये सिर्फ एक स्क्रू से टाइट किया होता है। अब थोड़ा सा टच पैड और बेस को अपोजिट साइड में पुश कीजिए, फिर इसको नीचे को करके पैनल को और बेस ऊपर को उठा लीजिए। इस मॉडल में टच पैड पे मदरबोर्ड टाइट किया हुआ है, सो बेस ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाएगा। अब आप बैटरी के 2 स्क्रू से वो निकाल लीजिए, सबसे पहले बैटरी का वायर निकालिए फिर 2 स्क्रूज और आपकी बैटरी बाहर निकल जाएगी। अब ये केबल निकालेंगे जो यूएसबी और साउंड जैक की है, इसके नीचे हार्ड ड्राइव लगी है जिस पे 4 स्क्रूस लगे हुए हैं। चारों स्क्रू को निकाल लीजिए, आपकी हार्ड ड्राइव केसिंग के साथ बाहर निकल जाएगी। जो हार्ड ड्राइव है आपने साइड को पुल करना है, फिर इसे ऊपर निकाल सकते हैं। ये आपके डीवीडी ड्राइव की केबल है, लॉक ऊपर करके केबल निकाल लीजिए। ये स्पीकर्स की केबल है, दोनों साइड से खींच सकते हैं। ये आपके पावर कनेक्टर की केबल है, साथ ही में डिस्प्ले केबल है, इसे ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। अब आप फैन की केबल निकाल लीजिए, ट्वीज़र की मदद से निकल जाएगी। फैन पे 3 स्क्रूस लगे हुए हैं,
आप तीन स्क्रू निकाल लीजिए, उसके बाद हीट सिंक पे 6 स्क्रूस लगे हुए हैं, उस पर मार्क किया हुआ है नंबर वाइज। इसे ऊपर को उठा लीजिए, फैन और हीट सिंक दोनों इकट्ठा लगे हुए हैं। अब मदरबोर्ड पे छोटी छोटी वाइट कलर की एरोस बनी हुई है, उस पर बताया गया है कि यहाँ पे स्क्रूस लगे हुए मदरबोर्ड के, टोटल 6 स्क्रूस लगे हुए हैं। अब आप निकाल लीजिए। अब वाईफाई की केबल निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि इसका लॉक ना टूटे। अब मदरबोर्ड को ऊपर को उठा लीजिए। इसमें लगी हुई है रैम, DDR3 प्रोसेसर और ग्राफिक चिप। ये टच पैड है, ये स्पीकर्स हैं, या ब्रश की मदद से इसे साफ कर सकते हैं, जो डस्ट पार्टिकल से वो निकल जाते हैं। अब मदरबोर्ड को वैसे ही क्लीन करके इसके ऊपर सेम जैसे आपने निकाला वैसे ही लगाना है। ध्यान रखना है कि केबल्स कोई नीचे ना प्रेस हो जाए। केबल्स को बाहर निकाल के उसे मदरबोर्ड को प्रेस करके उस पर आप स्क्रूस लगा लीजिए। मदरबोर्ड पे 6 स्क्रू है। वाईफाई की केबल लगाते वक्त ध्यान रखना है कि वो नीचे छोटा सा एंटीने की कनेक्शंस होते हैं, कहीं वो टूटे ना। ये सिर्फ एंटीने की केबल होती है, ये चाहे राइट या लेफ्ट दोनों इधर या उधर लगा लो कोई इशू नहीं है, पर इन पे मार्क किया होता है, नंबर दिया होता है 1 और 2, और कलर का एरो भी बना होता है, ब्लैक का ब्लैक की तरफ, वाइट का वाइट की तरफ। बाकी सब केबल्स जैसे आपने निकाली वैसे ही आराम से लगा दीजिए। अब ग्राफिक चिप और प्रोसेसर के ऊपर से आप पेस्ट, थर्मल पेस्ट को साफ़ कर सकते हैं। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो या सॉफ्ट कपड़ा हो, थर्मल पेस्ट प्रॉपरली साफ़ कर लो, प्लस हीट सिंक के ऊपर जो पेस्ट लगी होती है वो भी आप साफ़ कर लीजिए। इसमें बाद में हम नई हीट थर्मल पेस्ट ऐड करेंगे। जो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे हो इधर उधर मदरबोर्ड की तरफ थर्मल पेस्ट के, वो आप ब्रश की मदद से क्लीन कर सकते हैं। मेन लैपटॉप में आपका मदरबोर्ड ही है, इसे ही प्रॉपर साफ रखना चाहिए, प्लस फैन।
फैन के ऊपर तीन स्क्रू से, छोटे छोटे स्क्रू से आप उसे निकाल के फैन को क्लीन कर सकते हैं। दो साइड में लॉक्स लगे हुए हैं, ट्वीज़र की मदद से लॉक को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है और फैन बाहर को आ जाएगा। इस मॉडल में जो ये फ़ैन है ये बाहर नहीं निकलता है, नहीं तो कई मॉडल्स में बाहर निकल जाता है, बाद में इसमें ऑयलिंग हो जाती है, इसे आपको ऐसे ही साफ़ करना पड़ेगा। प्लस जो हीट सिंक की वेंटिलेशन होती है उसे आप ब्लोअर की मदद से क्लीन कर सकते हैं ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स ना रहें, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है और आपका प्रोसेसर और ग्राफिक चिप हीट करने लग जाता है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड लैपटॉप की कम हो जाती है। वापस उस पर तीन स्क्रूज लगा लीजिए, फैन के जैसे आपने खोले थे सेम वैसे ही। अगर आप पहली बार खोल रहे तो स्क्रूज को थोड़ा ध्यान से रखिए, सबके अलग अलग रख लिए तो अच्छा रहेगा, मिक्स नहीं होंगे। अब इस पर आप थर्मल पेस्ट लगा सकते हैं प्रोसेसर प्लस ग्राफिक चिप के ऊपर, ज़्यादा थर्मल पेस्ट नहीं यूज़ कर सकते, वो सिस्टम की डिस्प्ले में इशू करेगा, डिस्प्ले आने में। प्रॉपरली ऊपर रख के बस थोड़ा सा फिट हो जाएगा आराम से। अब स्क्रूज लगा लीजिए, जो हीट सिंक के स्क्रूज होते हैं उस पर नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसी सीरीज वाइज के तरह के साथ आप लगा सकते हैं। पहले सभी स्क्रूज लगा लिए, बाद में इसे प्रॉपरली टाइट कर लीजिए। अब फैन की केबल लगा लीजिए। अब फैन के तीन स्क्रूज आप लगा सकते हैं। स्क्रूज को प्रॉपरली टाइट कर लीजिए, क्योंकि अगर फैन का एक आधा स्क्रू भी लूज रहा तो वो बाद में वाइब्रेट करेगा फैन चलते वक्त या नॉइस करेगा। अब आप हार्ड ड्राइव को लगा सकते हैं, जस्ट हार्ड डिस्क को रख के मदरबोर्ड की तरफ पुश करना है आपने। अब ये ऊपर से आप केबल लगा सकते हैं यूएसबी और साउंड जैक की, जो साइड में बना हुआ है। अब हार्ड ड्राइव के चार स्क्रूज लगा लीजिए, एक स्क्रू पे स्टिकर लगा हुआ है, वो इसलिए लगा होता है कि अगर आपका लैपटॉप कभी खुला हो तो वो स्टिकर ब्रेक हो जाता है, जिससे कंपनी को पता चल जाता है, वो भी अगर आपका सिस्टम वारंटी में हो तो। फ़िलहाल जो ये सिस्टम है ये आउट ऑफ वारंटी है। कोई केबल इधर उधर हो तो आप प्रॉपरली फिट कर सकते हैं। पैक करने से पहले प्रॉपर सब केबल्स आप चेक कर लो एक बार।
अब आप बैटरी को टाइट कर सकते हैं दो स्क्रूज लगा के। ये उल्टी कभी भी नहीं लगेगी, जैसे है वैसे ही लगेगी। इसकी केबल लगाना मत भूलिए वरना आपका सिस्टम चार्ज नहीं करेगा। लॉक में डाल के थोड़ा सा पुश करना है। अब आप बेस को एक बार पहले साफ़ कर लीजिए क्योंकि डस्ट वगैरह होता है, साफ़ करके फिर आप बेस को टाइट कर सकते हैं। बेस पे 8 स्क्रूज लगा के, 3 स्क्रूज जो है वो कीबोर्ड के स्क्रूज से सेंटर पे, पहले आप बाहर के आउटर 8 स्क्रूज टाइट कर लीजिए ताकि आपको पैनल ओपन करने में और क्लोज करने में कोई इशू ना रहे। अब आप डीवीडी ड्राइव को साफ़ करके इसे आराम से अंदर की तरफ डाल लीजिए। बहुत ही ईजी है, कोई प्रेशर कुछ नहीं करना, बस अंदर। अब आप चारों तरफ से प्रेस करके देख सकते हैं कि वो लॉक्स उसके प्रॉपरली लग चुके हैं। फिर आप स्क्रू टाइट कर लीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि स्क्रीन नीचे की तरफ है, स्क्रीन इसमें पेपर स्क्रीन लगी होती है वो डैमेज हो सकती है, थोड़ा सा भी प्रेशर उस पर पड़ा वो डैमेज हो सकती है। अब आप पैनल ओपन कर और देख लीजिए, अगर किसी भी साइड से कोई लॉक खुला हो वो उसे आप प्रेस कर लो तो लॉक लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा है। अब कनेक्शंस लगा सकते हैं, पावर बटन का कनेक्शन और टच पैड का कनेक्शन। तीन स्क्रूज ऊपर की तरफ है वो टाइट कर लीजिए। अब आप कीबोर्ड को लगा सकते हैं। एक कीबोर्ड की मेन वायर है, उसे इंसर्ट करके ऊपर से लॉक को प्रेस कर दीजिए। एक उसकी बैकलिट की वायर है, बैकलिट की वायर जस्ट अंदर प्रेशर के साथ अंदर की तरफ प्रेशर डालना है और वो लग जाएगी। थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप कीबोर्ड की वायर खोल के दोबारा चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ से डाल के फिर ऊपर से आपने प्रेशर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर डाल के उसे बंद कर देना है। जैसे ही लॉक लगते जाएंगे आपको साउंड आ जाएगी उसकी। अब कीबोर्ड के नीचे 3 स्क्रू से कीबोर्ड के, उसे आप टाइट कर लीजिए। और अब आप सिस्टम को ऑन करके चेक कर सकते हैं। शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।